खबर सामने आ रही है, राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द ही नया जज मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास सिफारिश भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज रजनीश भटनागर का ट्रांसफर किया है राजस्थान हाई कोर्ट करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सिफारिश की गई, कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास ये सिफारिश भेजी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 10 अगस्त को बैठक हुई थी, तो जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट में जज बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से इसे लेकर सिफारिश की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द नया जज मिल सकता है, ये सूचना निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास इसे लेकर सिफारिश भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज रजनीश भटनागर का ट्रांसफर किया है राजस्थान हाई कोर्ट करने की सिफारिश इसे लेकर की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास इसे लेकर सिफारिश भी भेज दी है, तो हो सकता है जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट के जज रजनीश भटनागर को बना दिया जाए। और करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का, 12 से बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता दिनेश झारखंड की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जयपुर से शव का गांव पहुंचने से इंतजार किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अटरू के झारखंड गांव में भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। विपिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, बताया जा रहा है कि भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, क्या तैयारियां पुलिस की ओर से? बिल्कुल, भारी रोष है मीणा समाज जो है, मृतक के बाद उसको भारी रोष है, और इसी को देखते हुए भारी पुलिस जाप्ता जो है, जिले भर से जाप्ता मंगाया गया है। कोटा पुलिस को भी, आरएसी बटालियन को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि यह घटना 24 जुलाई की है और ये अपने 5-6 साथियों के साथ था। दिनेश झारखंड जो बमोरी गांव से जा रहा था अटरू के, तो वहीं पर नागर समाज के जो कुछ लोग थे उनसे इनका सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। उस दौरान दिनेश झारखंड की जो है करीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट कर दी थी, बुरी तरह घायल था। बीते 20 दिन से करीबन जयपुर में 46 हॉस्पिटल में इलाज जारी था, 20 यूनिट खून भी चढ़ाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। जो है कल उसके देहांत हो गया। उसके बाद जो है सब को पोस्टमार्टम के लिए, पहले परिजन आ रहे कि 12 पोस्टमार्टम कराया जाएगा, लेकिन पुलिस ने जो है वो होने नहीं दिया। फिर कल पोस्टमार्टम टल गया और आज सुबह उसका जयपुर में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अब वहां से सब लेकर जयपुर, यहाँ जयपुर से 12 लाया जाएगा। इस दौरान जो है, क्योंकि पुलिस ने जो 2 दर्जन आरोपी थे और जो नामजद रिपोर्ट थी राजू नागर ठीक है विपिन, अब देखना है कि जब शव वहां पर पहुंचता है तो किस तरीके से लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। आप भी नजर बना रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, मौसम चुनावी है लिहाजा बयानबाजी भी खूब हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ओटाराम जातीय एकता की बात कर रहे हैं। ओटाराम देवासी ने कहा कि कई सालों से हमने हर पार्टी को सहयोग दिया है, लेकिन इस बार हमें ये ध्यान रखना है कि पार्टी वार्टी कोई नहीं, समाज एक ही रहेगा। भले ही समाज का कैंडिडेट किसी भी पार्टी से क्यों न जुड़ा हो, अपने समाज के लोगों को ही हर हाल में सपोर्ट करना है। हालांकि देवासी इस मामले में मीडिया से कुछ भी कहने से कतराते नजर आ रहे हैं। रतन जी मंत्री बने, मैं एमएलए बड़ा, मंत्री बड़ा, कुछ जरूरी नहीं कि हम वापस बने। आने वाला समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उस चुनाव में खड़ा हो सकता है, पार्टी उसको निर्णय के साथ कह सकती है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम ही रहे। हमारा तो संकल्प यह रहेगा कि अगर आने वाला समय में कोई भी आदमी, अगर समाज का व्यक्ति कोई भी अगर टिकट लेके आएगा, उसको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, यही हमारा निर्णय। फिर से जो है सवालों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि उनका बयान जो है अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ओटाराम देवासी समाज की बैठक के अंदर जो है रतन देवासी को लेकर बयान दिया था कि अगर रतन देवासी को भी अगर टिकट मिलता है तो पूरा समाज जो है उनके साथ में रहेगा, लेकिन यह बयान जो कई प्रकार के मायने बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये मायना जो है कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पार्टी के प्रति विश्वासघात को ये जो है दर्शाता है, क्योंकि पार्टी अगर टिकट देती है तो वो समाज साथ में रहता है, यानी कि समाज की भूमिका उनके लिए सबसे बढ़कर है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि पार्टी के प्रति विश्वासघात जो है
इसमें खुलकर निकल के सामने आ रहा है। लेकिन अब यानी भाजपा को भीतरघात का संदेह भी जो है बना हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ प्रतीक सोलंकी, जीरो राजस्थान।